हेलो, कैसे हो कविता? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करें क्लास? यस। ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने रिपब्लिक डे वाला पोस्टर साथ में बनाया था और एडमिशन ओपन वाला आपको दिया था, तो वो हो गए दोनों? यस हो गया। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दो। तो मैं कैनवा में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? एक्चुअली हम कैनवा ऐप तब पहली बार यूज कर रहे हैं, तो मुझे मतलब डिफिकल्ट लगा और काफी मुश्किल हो रही थी कि कैसे करें नहीं करें। तो आप बता दिए तो अभी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि आप जो टास्क दिए थे वो मैं खुद से बना के आपको दी, तो अभी ऐसा लग रहा है और मैं मतलब अपने लिए कोई भी पोस्टर मैं बना सकती हूँ। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो बच्चे को पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से शेयर भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सेल वाला, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स, एवरेज, ग्रेड ये सब कैलकुलेट करना था, वो हो गया? तो वो भी दिखा दो स्क्रीन शेयर करके। जो टास्क आपने किया था तो मैंने करा लिया, टोटल मार्क्स एवरेज मिनिमम मार्क्स ग्रेड टोटल मार्क्स आपने वाला करा लिया। कॉलम कहाँ है? स्क्रीन आपकी फ्रीज हो रखी है। हाँ, दिख रहा है अब। तो यानी कि आपने टोटल मार्क्स एवरेज कैसे निकाला है? सम का फॉर्मूला लगाए, जैसे कि अंकित एक बॉय का नाम है, तो उन्होंने हिंदी में जितना लाया, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में और कंप्यूटर में, इसका ठीक सारा मार्क्स, टोटल नंबर, इसका सम है। का फॉर्मूला लगा के निकाल दिए टोटल मार्क्स। ठीक है। यस, तो उसी प्रकार से एवरेज का भी निकालें, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला लगाएं तो ठीक निकल गया 82.2। है। और मैक्सिमम मिनिमम? उसी प्रकार से निकालें। ठीक है। एंड ग्रेड्स में कंडीशन लगाई थी जो क्वेश्चन में मेंशन थी? ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ एंड पाई चार्ट बनाने हैं, है ना? यस तो वो किया आपने कुछ? हाँ, मैं कुछ टेबल इंसर्ट करके रखी है तो उसको बनाते हैं अभी। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करो उस टेबल की। तो अब हमें ग्राफ चाहिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब उसका ग्राफ बनाओ। मैं बना रही हूँ। ठीक है। और हमें जो है ये पाई चार्ट, टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, उसका पाई चार्ट चाहिए। ओके, मैं बना रही हूँ।